नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल IAS विजन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है और इस पे काफी ज्यादा चर्चा भी हुई है और काफी ज्यादा ये चर्चा का विषय भी है। और भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता भी रखता है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसान ड्रोन्स और स्वामित्व योजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जरा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि किसान ड्रोन्स हैं क्या। ड्रोन्स जो हैं वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी पायलट की जरूरत नहीं है, आप रिमोटली इसे पायलट कर सकते हैं। और किसान जब लग गया इसमें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स में देने हो गए, इन सब के काम में ये आता है। उसके अलावा इनकी जो कैरिज कैपेसिटी है ये 5 से 10 किलो की है, जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन है अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर पे देखा जाए तो। उसके अलावा इसे 15 मिनट लगेंगे 1 एकड़ के फील्ड को कवर करने में, यानी 1 एकड़ मान लीजिए खेत है आपके पास और उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं या फिर पेस्टिसाइड्स का स्प्रेइंग करना है, तो आपको सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा। और अगर यही काम किसी इंसान द्वारा किया जाता है तो घंटों लग जाते हैं उसमें, है ना। उसके अलावा इंसान है तो थोड़ी बहुत गलतियां भी होती हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है स्प्रेइंग का, लेकिन ड्रोन्स के साथ ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रेइंग यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा एग्रीकल्चर ड्रोन्स जो हैं उनका जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि वेदर हो गया, सॉइल कंडीशंस हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब के बारे में रीडिंग लेके एक डेटा कलेक्ट करके और किसान के लिए जो फ्रेंडली मतलब कंडीशंस हैं, फ्रेंडली डेटा है, फ्रेंडली बिहेवियर है, क्रॉप के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, उस सब को कंपाइल करके एक किसान को देगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, राइट। इसके अलावा क्रॉप हेल्थ को रेगुलेट किया जा सकता है, क्रॉप का ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना, क्रॉप की स्काउटिंग की जा सकती है, इरिगेशन की जा सकती है और सॉइल का एनालिसिस किया जा सकता है, राइट। इससे होगा क्या कि जो क्रॉप की यील्ड है वो बूस्ट हो जाएगी, उसमें बढ़ावा मिलेगा और टाइम और जो खर्चे हैं वो मिनिमम हो जाएंगे, मिनिमम टाइम एंड एक्सपेंसेस इसमें लगने वाले हैं, तो आपके लिए कुल मिला के विन विन सिचुएशन क्रिएट कर देता है, राइट। तो दैट इज वाई किसान ड्रोन्स आर ए गुड पहल इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसे मतलब सीरियसली लेने की जरूरत भी है। एनीवेज, इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, देखिए आपने सुना होगा टिड्डियों का अटैक, है ना, तो टिड्डी जैसे नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आके ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं, राइट। सो ये लोकस्ट इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है। और क्या होता है कि लोकस्ट जो होते हैं, टिड्डी जो होते हैं, उनका एक सेट एल्टीट्यूड होता है फ्लाई करने का, इन ड्रोन्स को उनके ऊपर ले जाके इनके ऊपर केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स स्प्रे करके इनको खत्म किया जा सकता है बल्क में। सो दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट जो कि टिड्डियों के अटैक्स को प्रिवेंट करने के काम में आता है, ठीक है। और एज रिसेंट एज अगर बात करें तो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि ये लोग ड्रोन्स का यूज करेंगे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए टिड्डियों के झुंड पे, है ना। और उसके अलावा आ जाता है मैपिंग एंड सर्वेइंग, है ना। तो इससे क्या होगा, जब आप मैपिंग कर रहे हो, सर्वेइंग कर रहे हो, तो आप एक डेटा निकाल के ला रहे हो, आप डेटा निकाल के ला रहे हो और उस डेटा को आप डिजिटाइज फॉर्म में एक लेजर की तरह तैयार कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर इतना, ये जो खेत है मान लीजिए, फील्ड है, ये किसी एक्स पर्सन को बिलोंग करता, तो वो डेटा है, राइट। तो ये प्रॉपर मैपिंग एंड सर्वेइंग आपका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देगी, एग्जैक्ट मैनर में, प्रिसाइज मैनर में। उसके अलावा क्रॉप डस्टिंग एंड स्प्रेइंग की बात हो गई, तो जैसा कि हमने बताया कि डस्टिंग और स्प्रेइंग से होगा क्या कि जो पोटेंशियल पेस्टिसाइड्स हैं उनका एक्सपोजर कम होगा, है ना। उसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनको मैन्युअली स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और जो वो इंसेक्टिसाइड्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, वो नहीं पहुंचेगा। उसके बाद आता है इरिगेशन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस की बात की, इरिगेशन मॉनिटरिंग की बात की जाए पहले, तो इरिगेशन मॉनिटरिंग में अगर बात करें तो देखिए आज भारत के साथ में समस्या ये है कि जो 17% आबादी है पूरे विश्व की, वो 4% से भी कम
वाटर पे सरवाइव कर रहे हैं। तो जो वेस्टेज है एग्रीकल्चरल वेस्टेज वाटर का वो बहुत ज्यादा होता है। इसको रेगुलेट करने के लिए, वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और लीक्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए यहाँ पे ये काम में आ सकते हैं। उसके अलावा है क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस हो गया। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन लाइट्स वेवलेंस की एमिट करते हैं और ड्रोन से उनको आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टेक्निक से आप ये पता कर सकते हो। और इससे होगा क्या कि जो अलग अलग मल्टी स्पेक्ट्रल लाइट्स जो है, मल्टी स्पेक्ट्रल लाइट्स का जो डेटा है वो आपके पास में गैदर हो रहा है, उससे आप क्रॉप की हेल्थ को सर्वे कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। राइट, मतलब थोड़ा सा आप क्या एग्री टेक हो गया एक तरीके से, एग्रीकल्चर में टेक को अगर इंसर्ट कर रहे हैं और उससे आप यील्ड बढ़ा रहे हैं एंड फार्मर की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज एग्री टेक एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स इन लॉन्ग रन। राइट, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। उसके बाद है फील्ड सॉइल एनालिसिस, खेत में जो मिट्टी है उसकी एनालिसिस के भी ये काम में आता है। इससे होगा ये कि जो सॉइल का डेटा है और जो फील्ड में ही जाके सॉइल का एनालिसिस है, इरिगेशन है, नाइट्रोजन का लेवल क्या है, इन सबको आप मैनेज कर सकते हो, इन सबको आप एक जगह देख सकते हो। राइट, उसके अलावा मार्केट लॉजिस्टिक्स हो गया। अब देखिए, मार्केट लॉजिस्टिक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कुछ यील्ड प्रोड्यूस की, कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, अब इन ड्रोन्स की 5 से 10 केजी की कैरिज कैपेसिटी है, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मार्केट्स तक में भी, नियर बाय मार्केट्स तक में भी पहुंचा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फार्म्स के बगल में होते हैं, आपका पता नहीं, हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा। तो एक जो कॉस्ट है और जो टाइम है फार्मर का वो बचता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, किसी एक कैरिज वैन में आप इसको लोड करेंगे, फिर ले जाके मार्केट में अनलोड करेंगे। इससे अच्छा है सीधे सीधे खेत से उठाइए, ड्रोन में आप इसको लोड कीजिए और भेज दीजिए जहां पे आपको सेलिंग के लिए भेजना है। ठीक है, और फ्रेश जो ताजा प्रोडक्ट है वो भी पहुंचा रहे हैं आप नियर बाय मार्केट में, एज कंपेयर टू द जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिकल मेथड्स थे उनके मुकाबले। सो दिस इज अ फार बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। नेक्स्ट है, इनके साथ कौन सी स्कीम्स रिलेटेड है? अच्छा, मैं आपको बताऊं तो एक ना रैप्टर ड्रोन सीरीज को परचेज करने के लिए इंडिया ने $3 बिलियन की डील की थी, डील करने वाले थे यूएस के साथ में, की नहीं थी, करने वाले थे, फाइनलाइज नहीं होती, इसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? ड्रोन शक्ति स्कीम के तहत। इसमें यह है कि ड्रोन्स को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसको बैन कर दिया गया है, और ड्रोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में ही होगी, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ड्रोन शक्ति मिशन इसको एनफोर्स करता है। उसके अलावा किसान ड्रोन सुविधा हुआ। तो किसान ड्रोन सुविधा में क्या है, इसमें आप ड्रोन्स को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज में ले रहे हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर से लेके आप मिलिट्री एप्लीकेशंस तक इसको यूज में ले रहे हैं। तो ड्रोन्स का बहुत ही वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री एक तरीके से अभी नेसेंट स्टेज में है, जो आगे चल के बहुत ज्यादा बूम करेगी। राइट, उसके अलावा है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। देखिए, इस स्कीम के तहत जो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फार्मर्स को, और ये क्या करेंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपने एग्रीकल्चर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैकेनाइज करेंगे कि कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो और कंट्रोलिंग फैक्टर्स थोड़े से ज्यादा हो जाए, क्योंकि जब आपके पास डेटा होता है तो आप कंट्रोल चीजों पे कर सकते हैं। राइट, उसके बाद है स्वामित्व स्कीम, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं हम लोग। ये जो है विलेजेस को सर्वे करने के लिए काम में लिए जा रहा है, और जो लैंड्स हैं, एसेट्स हैं, उनका एक डिजिटल मैप क्रिएट किया जा रहा है स्वामित्व स्कीम के तहत। और ये स्वामित्व स्कीम बहुत ही सुविधाजनक होगी, क्योंकि कई बार देखिए एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है कि कई लोग दूसरे के खेतों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो जो रियल टाइम इमेज है, रियल टाइम डेटा है, वो वहां से प्रोक्योर करके, और जब आप डिजिटल लेजर इसका क्रिएट करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये नहीं के बराबर, ये खत्म हो जाएगी, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग गेम चेंजर
इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डेटा, राइट। और ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे लॉन्च किसने किया है, ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या पंचायती राज मिनिस्ट्री, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, राइट। ओके, और इससे होगा ये, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि प्रॉपर्टी की क्लियर ओनरशिप किसकी है ये पता चल जाएगा, है ना। और रोड्स का, खेतों का, खलिहानों का, सबका एक बेसिकली क्या हो जाएगा, डिजिटल डेटा तैयार होता चला जाएगा। इसको जो इंप्लीमेंट कर रही है, इंप्लीमेंटेशन वाली जो मिनिस्ट्री, ये ध्यान रखना, पंचायती राज मिनिस्ट्री है ना। उसके अलावा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स प्लस स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, ये लोग मिलके इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट ये ब्रेन चाइल्ड किसका था, इसको लेके कौन आया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसको अब इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, पंचायती राज मिनिस्ट्री हो गई, उसके अलावा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट हुआ एंड सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। थोड़ा सा आपके यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। अब चैलेंजेस क्या है एग्रीकल्चरल ड्रोन्स में, अगर एग्रीकल्चरल ड्रोन्स की बात करी जाए तो इसमें चैलेंजेस क्या है। देखिए, एक जो आम किसान है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको ड्रोन चलाने की, ऑपरेट करने की, या उससे बेनिफिट लेने की उसको हैबिट हो, राइट। वो आज इंडिया इतना ज्यादा टैक्स हैवी फार्मर नहीं है, इंडिया में, इंडिया का फार्मर इतना ज्यादा टैक्स हैवी नहीं है, हम ये बोल सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें स्पेशलाइज स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए एक स्किल सेट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इसमें, राइट। उसके अलावा फ्लाइट टाइम एंड रेंज इश्यूज की बात कर ली जाए, तो अगर आप जैसे जैसे पेलोड बढ़ाओगे तो बैटरी यार जल्दी डिस्चार्ज होगी, तो उसका फ्लाइट टाइम कम हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा कवरेज जो है वो भी लिमिटेड आप दे सकते हो बिकॉज ऑफ दिस बैटरी एंड प्रॉब्लम एंड हीटिंग इश्यूज एज वेल। तो ये फ्लाइट टाइम एंड रेंज इश्यूज थोड़ा सा इसका दिक्कत है, बट आई एम श्योर कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी ही है। हाई कॉस्ट ऑफ ड्रोन्स, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी नेसेंट स्टेज में अगर होती है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, अगर आप उसको स्केल करेंगे वैसे वैसे उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी और उसका इनएक्सपेंसिवनेस बढ़ता जाएगा, एक्सपेंसिव कम होती चली जाएगी। तो अभी के लिए ड्रोन्स कॉस्टलियर हैं, और क्योंकि यहां पे क्या होते हैं ना, इमेजिंग सेंसर्स आते हैं, इमेजिनिंग सेंसर्स हुए, सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर हुआ और टूल्स हुए, तो ये सारे के सारे इसमें रहते हैं, दैट इज व्हाई इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट। उसके अलावा अगर बात की जाए बेफलिंग लॉज ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या है ना कि इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, मल्टीपल लॉज हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन हो गया, यूज हो गया, है ना, और उसके अलावा आपका परचेजिंग हुआ, इन सब को लेके ड्रोन्स के लिए, राइट। और दूसरा क्या है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है ना, मतलब जैसे अगर बात किया जाए कि फार्मर्स जो हैं, जो ड्रोन्स यूज करना चाहते हैं, उनको कनेक्टिविटी में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप एक ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा आपके खेत में, क्योंकि आपके खेतों तक ब्रॉडबैंड नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं लगा था कोई खेत में, राइट। तो यहां पे भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना। वेदर पे डिपेंडेंसी की बात की जाए, राइट, अब ये कैसे, ड्रोन्स जो है वो वेदर डिपेंडेंट है, पहली बात ये समझ लीजिए, अगर जैसे आंधी चल रही है या कोई रेनी सीजन है तो फिर ड्रोन्स को उड़ाना आसान नहीं है, है ना। तो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट तो ठीक है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आ सकता है और आप काम चला लोगे, लेकिन ड्रोन्स में ऐसा नहीं होता। और उसके अलावा मिसयूज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इलीगल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके खेत का डेटा कोई और यूज कर रहा है, खराब करने के लिए यूज में ले लिया, या फिर इसका मिसयूज कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए भी कोई ले सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि इसके साथ में इश्यूज हैं, राइट। तो अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस हैं ऑफर अगर किए जाए तो वो क्या हो सकते हैं, है ना। तो एक देखिए, सबसे स्ट्रांग चीज है कि आपको लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, है ना, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा, और इसमें
से होगा ये कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस भी फैलाइए एग्रीकल्चर में इसके लिए, ठीक है। और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को लॉन्च कीजिए ताकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, हो सके ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स के यूसेज के लिए। और कैपेसिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा इसको चलाने का। जैसे कि मैंने बताया कि एक सर्टेन स्किल सेट है, तो उसके लिए आपको कैपेसिटी डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। और एक इकोसिस्टम बनाइए जिसमें आप सिंगल विंडो क्लियरेंस दीजिए, जो भी एंटरप्रेन्योर्स आके इसमें ड्रोन शक्ति स्कीम के तहत कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन एंड ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल विंडो सिस्टम आप लेके आइए जिससे आप क्लियरेंस दीजिए। क्योंकि बहुत सारे विंडोज, मतलब अगर मान लो 80 क्लियरेंस लेने पड़ रहे हैं तो आदमी 80 बार ही डिप्रेशन में आएगा, है ना। तो आप सिंगल विंडो क्लियरेंस पे बात कीजिए। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कीजिए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबके, टेक्निकल प्रॉब्लम्स एटलीस्ट, इन सबों के सॉल्यूशंस निकल के आ सके। सो इफ दिस हैपेंस, इफ दिस ड्रोन लेट अस से इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर द फार्मर, राइट। बस इस दिशा में हमें सही रूप से कदम उठाना है, और आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, दिल खोल के शेयर कीजिएगा, वही हमारा मोटिवेशन है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस डेली चैनल पे अपलोड होते हैं, क्विजेस अपलोड होते हैं, जाइए उनको देखिए, आप ही लोगों के हैं सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।